हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। पहला पॉइंट है मेरा 0, 0, दूसरा है 36 एंड 15। ठीक है फ्रेंड, पहला सवाल तो मेरा ये है, इसी के अंदर एक दूसरा सवाल भी दे रखा है। बोला गया कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। ठीक है, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो फ्रेंड, सेक्शन जो 7.2 है उसके अंदर डायग्राम ये बना हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। बोला कि दो टाउन है, पहला टाउन मान लो यहाँ पे है, दूसरा टाउन यहाँ पे है, तो बताना है इन दोनों टाउन के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लो जो पहला पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है, इसको मैंने क्या मान लिया 0, 0, P, और दूसरा पॉइंट है Q, कितना दे रखा है 36 एंड 15। हमें इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमें दूरी बतानी हो तो फ्रेंड हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x2 - x1 एंड y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये मेरा y2 है, इनके बीच की दूरी बतानी हो तो सिंपली क्या करेंगे, 36 - 0 का स्क्वायर एंड 15 - 0 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब 36 में से 0 का 36 ही आएगा, 15 में 0 के 15 ही आएगा। अब 36 का स्क्वायर है, इसका मतलब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 1296, और 15 को 15 से करेंगे कितना आएगा 225। ठीक है फ्रेंड, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करने में कितना आएगा 1521, और जब हम इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने में कितना आ जाएगा 39 यूनिट। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस आ गया पी क्यू के बीच का। तो यहाँ पर मेरा पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं टाउन। ठीक है, पहला टाउन है जो मेरी लोकेशन ए पे है। अब फ्रेंड, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये बिल्कुल ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। अब जो दूसरा टाउन है, ठीक है, टाउन सेकंड वाला, इसकी पोजीशन बी पे है। देखो फ्रेंड, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है ये, 36 किलोमीटर दूरी पे, तो ये आ गया। और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर की दूरी पे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे कितने आएंगे, 15 आएंगे। तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इनके बीच की दूरी बतानी है, सेम ही फॉर्मूला लग गया। और फ्रेंड देखा जाए तो कोऑर्डिनेट इसके सेम ही मैच हो रहे हैं, तो बेसिकली डिस्टेंस भी यही आएगा, लेकिन ये मेरा यूनिट में आया, लेकिन ये क्वेश्चन में किलोमीटर में दे रखा है, तो आंसर किलोमीटर में निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, ये x1 y1, ये x2 और ये y2, 36 - 0 एंड 15 - 0, 36 में से 0 गया 36, 15 में से 0 गया 15, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1296, इसका 225, दोनों को प्लस कर लिया 1521, और दोनों का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 39 किलोमीटर। ये ए से बीच के बीच की दूरी आ जाएगी, ए बी के बीच की, और ये हमें निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। बोला गया डिटरमाइन द पॉइंट ये आर दिस आर कॉलिनियर। फ्रेंड, कॉलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंटों का एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होना। जैसे कि मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉलिनियर, जिसको हिंदी में बोलेंगे सरेखी। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं दो साइडों का सम, यानी मान लो ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ने पे किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, मेरे को ये नहीं मालूम कि ए इस पोजिशन पर है या यहाँ पर है कि यहाँ पर, बी जो पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। किन्हीं दो साइडों के बीच का डिस्टेंस जोड़ने पे अगर वो तीसरी साइड के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, कॉलिनियर। तो मेरे पास तीन पॉइंट दे रखे हैं, मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा और इनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के इक्वल आ गया तो क्या कहलाएगा, वो कॉलिनियर। तो मान लो मैं पॉइंट इनके नाम लिखता हूँ, ए बी, ए बी और सी, तीनों पॉइंट रख दिए मैंने। अब सब वन बाय वन करके मैं डिस्टेंस निकालूंगा। तो बेसिकली फ्रेंड, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो है x2 - x1, y2 - y1। ठीक है, तो ये मेरा x1, ये मेरा x1, y1, x2, y2,
ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 2 माइनस 1 ऊपर स्क्वायर एंड 3 माइनस 5, दो में से एक गया एक का स्क्वायर, तीन में से पांच गया माइनस 2, ठीक है फ्रेंड। अब एक को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस 2 को माइनस 2 से किया कितना है 4, कितनी वैल्यू आई अंडर रूट 5, ए बी का निकल गया। सिमिलरली बी सी का भी निकाल लेंगे, बी सी का कोऑर्डिनेट रख दिया मैंने, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। अब बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू कितना है 11 माइनस वाई वन, दोनों को जोड़ा माइनस का 4 का स्क्वायर, दोनों 11 में से 3 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 16, 88 जा 64, दोनों को प्लस कर दिया तो ये मेरा हो गया 80 हो गया, ठीक है फ्रेंड, कितना आ गया 80। सॉरी फ्रेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस का 11 है, ठीक है ये माइनस का है, तो ये माइनस का 11 कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा मेरा ये माइनस का 14। अब माइनस के 14 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 196, ठीक है ये मेरा आ जाएगा 196, और 16 प्लस में 196 दोनों को ऐड करने पे आएगा 212, ठीक है ये मेरा आ जाएगा 212। अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर हम करेंगे 212 के, या 2 5 10 2 3 6, 53 में तो 53 का डिवाइड जाएगा, इसका पेयर बन गया तो ये तो आ गया बाहर, इसका नहीं बन पाया तो ये रह जाएगा अंदर, ये मेरा आ गया डिस्टेंस किसके बीच का, बी सी के बीच का। अब निकालेंगे डिस्टेंस ए सी के बीच का, ए कितना है 1 और 5 और सी कितना है माइनस 2 और माइनस 11, फॉर्मूला फ्रेंड वही रहेगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब मैं ए और सी के बीच की दूरी निकालूंगा, ठीक है तरीका मेरा वही रहेगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन। अब देखो फ्रेंड दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे माइनस का 3 का स्क्वायर, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे 16 का स्क्वायर, 3 को 3 से किया 9, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 256, दोनों को ऐड करने पे कितना है फ्रेंड 265, ठीक है इसके हम फैक्टर करके देखेंगे फैक्टर क्या बनते हैं 265, ठीक है तो 5 का डिवाइड दिया 53, फ्रेंड इसके पेयर नहीं बन पाया तो ये रूट 265 ही एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मैं तीनों साइडों के वैल्यू निकाल चुका हूँ, ठीक है कि नहीं, दो साइडों को जोड़ने पर अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा कॉलिनियर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो किन्हीं भी दो को जोड़ो देख लो, चाहे ए बी और बी सी को जोड़ो, अंडर रूट 5 टू रूट 53, इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, इन दोनों का जोड़ क्या इसके इक्वल आ रहा है वो भी नहीं आ रहा, क्या इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल आ रहा है वो भी नहीं आ रहा। तो अगर किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के इक्वल नहीं आए तो ये कॉलिनियर नहीं होगा। मैं क्या लिखूँगा, ए बी प्लस बी सी आर नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफोर दीज कोऑर्डिनेट आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है जो ये निर्देशांक है ये संरेखीय नहीं है, निर्देशांक संरेखीय नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस और ए सी का, अगर इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल भी आ जाता तो भी संरेखीय होता, इनका जोड़ इसके इक्वल है तो भी हो जाता, इनका जोड़ इसके इक्वल है तो भी हो जाता, कि नहीं दो को जोड़ने पे तीसरे के इक्वल आना जरूरी है, अगर नहीं आता तो वो कॉलिनियर नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, थैंक यू।